अगर इंटरव्यू पूछा जाएगा जी फोटो सेल मशीन को अगर जानना का कोशिश करोगे तुम तो टिपलर में जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, मतलब वो सेफ्टी इक्विपमेंट ही टिपलर को कंट्रोल कर रहा है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में अगर अच्छा से आपके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आप टिपलर चला नहीं पाएंगे। चला देंगे लेकिन आपका दम नहीं रहेगा। इसलिए सेफ्टी इक्विपमेंट का, हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ लगा रहता है, उसका अंदर क्या थ्योरी है, क्या इंटरलॉकिंग है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग इसी चैनल पे हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट के ऊपर अलग अलग वीडियो दूंगा। अभी जो फोटो सेल के दे दिए, नेक्स्ट व्हील ग्रिपर का दूंगा, फिर नेक्स्ट व्हील चोकर का दूंगा। इस तरफ से ये सीरीज चलेगा। तो देखो फोटो सेल क्या है, देखो अगर इंटरव्यू पूछा जाएगा जी फोटो सेल क्या काम करता है तो तुम क्या बोलोगे? फोटो सेल टिपलर का दोनों तरफ लगा रहता है, इन हॉल साइड पर भी रह सकता है, आउट हॉल पर भी रह सकता है। फोटो सेल का काम क्या है? अनलोडिंग चलने का टाइम, अनलोडिंग मतलब टिपलिंग होने का टाइम 0 to 150, 150 to 0। इस टाइम अगर रेलवे ट्रैक में लोडेड ऑर्गन हो, एम्प्टी ऑर्गन हो, टिपलर का अंदर जाने का कोशिश करेगा कोई भी कारण पे, तो फोटो सेल उसको रुकाएगा नहीं। फोटो सेल सेंस करेगा, सेंस करके टिपलर का मोशन रुका देगा। ये फोटो सेल का मेन मकसद है। सेकेंड क्या है, लोडेड ऑर्गन है, अनलोडिंग कर रहे हो, टॉप क्लैम एंगेज नहीं है, तो अनलोडिंग सेंटर पोजीशन में जो ऑर्गन है वो ऑर्गन बाहर भी आ सकता है। अगर बाहर आने का कोशिश करेगा तो भी तुम्हारा फोटो सेल एक्ट होगा, टिपलर को बंद करेगा, टिपलर का मोशन जो है मोशन बंद कर देगा। मोशन अगर बंद कर दिया तो बड़ा एक्सीडेंट से हम लोग बच जाएंगे। तो ये फोटो सेल का मेन मकसद है। नेक्स्ट सेफ्टी इक्विपमेंट आपका साइड वॉल के बारे में हम लोग डिस्कशन करूँगा। Thank you for watching this video.